इफको नैनो यूरिया। जी हाँ दोस्तों, इफको का तरल यूरिया आ चुका है मार्केट में और काफ़ी सारे किसान इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफको नैनो यूरिया के बारे में, यानी इफको नैनो यूरिया क्या है और उसको कौन कौन सी फसल में हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, इसको फसल में स्प्रे करने के बाद क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, इफको नैनो यूरिया को कैसे कब कितने मात्रा में हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, इसका मार्केट प्राइस कितना है, क्या इफको नैनो यूरिया के साथ किसी फंगिसाइड या फिर किसी इंसेक्टिसाइड या फिर किसी भी घुलनशील खाद जो आता है जैसे कि एनपीके 19:19 या फिर 20:20 जो खाद आता है, क्या उस खाद को मिला सकते हैं इसके साथ। तो पूरे डिटेल्स में आज हम इफको नैनो यूरिया के बारे में आज कंप्लीट में जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इफको नैनो यूरिया क्या है। तो इफको नैनो यूरिया नैनो टेक्निक पर आधारित एक उर्वरक है जो कि विश्व में पहली बार विकसित किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित भी किया गया है इसको। अब बात आती है इसका बेनिफिट, यानी इफको नैनो यूरिया को जैसे आप लोग फसल में स्प्रे करते हैं तो क्या क्या फ़ायदा देखने को आप लोगों को मिलता है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा देखने को आप लोगों को मिलता है, इसको इस्तेमाल करने पर पौधे का जो ग्रीननेस होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है, और जैसे कि आप लोग पत्तियों पर स्प्रे करते हैं छिड़काव के रूप में तो वो सामान्य दानेदार यूरिया की तरह ही ज़मीन में जाकर मिट्टी को भी दूषित नहीं करता है इसमें। उसके अलावा पौधे का जो ग्रीननेस होता है वो बढ़ा देता है, उत्पादन को भी बढ़ा देता है, और उसके साथ साथ सबसे मेन खासियत बात ये आती है कि जैसे कि परिवहन और भंडारण खर्चा में कमी होता है, क्योंकि जैसे आप लोग दानेदार यूरिया को इस्तेमाल करते हैं तो वो बोरे रखने के लिए जगह ज़्यादा लगता है, लेकिन ये जो बोतल आता है ये आप लोगों को 500 ml का बोतल एक बोरे के दानेदार जैसे होता है उसके समान होता है, इसलिए ये कम जगह में ही रह जाता है। तो ये तो अब इसका सबसे खासियत बात है। उसके अलावा पर्यावरण को भी नुकसान इसमें नहीं पहुँचाता है। तो ये सब फायदा देखने को आप लोगों को मिल जाता है इफको नैनो यूरिया तरल में। अब बात आती है इफको नैनो यूरिया का क्रॉप स्प्रे, यानी इफको नैनो यूरिया को हम लोग कौन कौन सी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसे कि इफको नैनो यूरिया को आप लोग किसी भी क्रॉप में स्प्रे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्रॉप में अच्छी तरीके से रिजल्ट देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। अब बात आती है इसका डोज। तो दोस्तों इफको नैनो यूरिया को आप लोग 2 से लेकर 4 ml प्रति लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 15 लीटर का पंप लिया है और मिर्ची के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 60 ml ले रहे हैं 15 लीटर के पंप में, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और अच्छी तरीके से हम घोल बनाकर स्प्रे कर रहे हैं मिर्च के ऊपर। अब बात आती है इसका स्प्रे टाइम, यानी इफको नैनो यूरिया को कौन सी टाइम पर स्प्रे करने पर 100% रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे कि इफको नैनो यूरिया को हम यहाँ पर सुबह के टाइम स्प्रे कर रहे हैं, और आप लोगों को भी सुबह के टाइम ही स्प्रे करना चाहिए, या फिर अगर आप लोग शाम को टाइम स्प्रे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धूप में इसको स्प्रे ना करें, नहीं तो आप लोगों को नुकसान देखने को मिल सकता है। अब बात आती है इसका रेनफास्टनेस के ऊपर। तो दोस्तों इफको नैनो यूरिया को जैसे आप लोग स्प्रे करते हैं और 12 घंटा के अंदर अगर बारिश आ जाता है तो 100% रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा तभी आप लोगों को 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका रेनफास्टनेस 12 घंटा देखने को आप लोगों को मिलता है। अब बात आती है इफको नैनो यूरिया के साथ किसी भी फंगिसाइड या फिर किसी भी टोनिक या फिर किसी भी घुलनशील खाद को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसके साथ किसी भी टोनिक को या फिर घुलनशील खाद को या फिर पेस्टिसाइड को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इसका प्राइस। तो दोस्तों इसका जो 500 ml का बोतल आती है उसका प्राइस 240 रुपया रखा गया है, और मार्केट में आप लोगों को 240 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों इफको नैनो यूरिया के ऊपर पूरे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और जितने हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।